फितर त्योहार राजधानी में कल यानी मंगलवार को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस पर्व को लेकर रोजेदारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पहले कोरोना वायरस का असर ईद के त्योहार पर भी देखने को मिला था। 2 साल के बाद लोगों को इस वायरस से थोड़ी राहत मिली है। कड़ी धूप व गर्मी से बेहाल लोग बाजारों में दिन के समय कम सुबह व शाम को खरीदारी के लिए ज्यादा पहुंच रहे हैं। हालांकि बढ़ी हुई महंगाई की मार इस त्योहार पर भी देखने को मिल रही है। रमजान उल मुबारक माह का यह महीना बीतने को है, कल ईद है। इस अवसर पर राजधानी से लेकर ग्रामीण अंचल के बाजारों में ईद पर्व को लेकर काफी रौनक है। छोटी बड़ी दुकानों पर लोग अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। ईद पर्व पर विशेष पकवान बनाने वाले सेवई की खरीदारी विशेष तौर पर की जा रही है। बाजार में इन दिनों कई ब्रांड की सेवई बिक रही है, जिसमें बनारसी सेवई की मांग ज्यादा बताई जा रही है। निषादगंज बाजार के हाजी साहब सेवई वाले बताते हैं कि बनारसी सेवई को हर शख्स पसंद कर रहा है। लोग एक दूसरे को उपहार स्वरूप देने के लिए भी इस सेवई का उपयोग कर रहे हैं। बता दें कि यह सेवई देखने में तो सुंदर लगती ही है, साथ ही स्वाद में भी इसका कोई जवाब नहीं है। वहीं दुकानदार जावेद बताते हैं कि महंगाई का साफ असर इस बार ईद के त्योहार पर देखा जा सकता है। लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं है। आदमी जितना कमा रहा है उतना तो खा जा रहा है। इस बार जो त्योहार है उसमें किस तरीके की बिक्री, क्या जो है लोग आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? काम क्या महंगाई है, इतनी आदमी क्या खाए क्या कमाए? इतना आदमी कमाता है उतना हम लोग खाए जाता है। अब जैसे हम लोग दुकानदारी करते थे पहले, वैसे दुकानदारी भी नहीं है।